तो दोस्तों अमृतसर घूमते हुए आज हम आए हैं लाल देवी मंदिर। तो इस मंदिर के अंदर चलते हैं। इस मंदिर में चलते ही देखिए सामने मूर्ति, और मूर्ति के सामने इस मंदिर का एक मॉडल जो लाइट से चमकता हुआ आपको दिख रहा होगा, बलिदान पेटी का। तो आगे बढ़ेंगे और ये देखिए यहाँ पे एक और मूर्ति, सीढ़ियाँ, सीढ़ियों को हम चढ़ते हुए जाएंगे ऊपर की ओर, क्योंकि एक लाइक रास्ता है जहाँ से आप एक एक करके हर मंदिर की ओर से जाते जाएंगे। ये रास्ता देखना, थोड़ा झुक के चलना, ना सर पे जरूर लगेगा। तो आगे चलते हैं। बहुत अच्छा है मंदिर, अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और ये सामने एक और गुफा, गुफा के अंदर, ओ भाई साहब, ये हमारे लॉर्ड शिवा, राइट, नहीं, देर इज ऑल्सो लॉर्ड राम। ये सारा मुझे ऐसा लग रहा है कि रामायण से रिलेटेड है। हाँ, ये जो गोल्डन हिरण की के चक्कर में राम जी गए थे सीता जी, और फिर उसके बाद ही हरण हुआ था। और ये रामायण से रिलेटेड एक पार्ट और, जब लॉर्ड शिवा की पूजा श्री राम जी करते हैं, सीता जी खड़ी और हनुमान जी। ये राम जी, सीता जी, हमारे लॉर्ड शिवा। ये सामने आगे बंद है, अदरवाइज हम इसके अंदर जाते तो आपको और जरूर देखने को मिलता। तो हम और इसके अंदर चलेंगे। तो ये देखिए, ये तो वहीं पर हम दोबारा आ गए। और ये एक बार फिर ये माँ जी, आप देख सकते हैं सीता का जो कौन सी जो वाटिका के अंदर थे, जो सीता को पेड़ के नीचे रखा गया था, तो आसपास जो उनकी राक्षसी थी, उनकी अशोक वाटिका के अंदर जो सीता को रखा गया था उसका। और ये अच्छा, ओ सॉरी, हमें लग रहा था यहाँ से रास्ता बंद है, लेकिन हम अंदर आ गए हैं। सही है, ये लवकुश घोड़ा पकड़ते हुए, और ये महर्षि, या ये हमारे लॉर्ड बालाजी महाराज। ये इमोशंस हैं। हालांकि अगर मैं ये कहूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे को तो इसके बाद 4-5 दिन की जरूरत ही नहीं है, सारे धाम मेरे यहीं हो जाएंगे। तस्वीर खींचते हुए हम रुक रहे हैं, तो चलिए चलते हैं इस गुफा से बाहर। तो हम इस गुफा से बाहर आए महाकाल शेषनाग के नीचे। अलग ही दोस्तों, चलिए इस मंदिर में और आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी पब्लिक के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। थोड़ी सी पैर में लग गई। श्री कृष्ण मेरे हिसाब से बोल रहे थे, चलते चलो। आपको पूरा मंदिर घूमने को मिलेगा बहुत ही सेपरेटली, कहीं से कहीं तक आप बोर नहीं होगा यदि आप अमृतसर आए, और अगर आप इस मंदिर में नहीं आए। राइट दोस्तों, तो आगे चलते चलते हैं। तो अभी हम शायद इधर जाएंगे, या फिर इधर से आए थे हम, देन हम रिटर्न आ गए इस तरफ। ऐसा लिखा हुआ था हर जगह, बट हम ने दिल्ली से हैं तो यूज़ हमने जरूर किया है। तो हम रिटर्न आ चुके हैं, और जैसे कि हमने लॉर्ड शिव आपको दिखाए थे रास्ते में जाते वक्त, तो एक बार फिर सामने से हम आपको दिखाएंगे। तो ये देवों का देव महादेव, अलग ही इनके लिए तो आप कह सकते हैं कि अलग ही जगह है छोरों के दिल में। देवों में देव महादेव, लेकिन जब तक आपको लाइसेंस के लिए इनका नाम लेना पड़ेगा। हाँ, आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो इनका नाम लेकर के नशा करते हैं कि ये तो देवों का, हमारे महादेव का प्रसाद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सब नशे का एक इन पर ब्लेम कर रहे हैं कि हम देखो नशा करते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। दोस्तों और ये भाई की लाइन बहुत अच्छी लगी, एक बार और बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी, बोलिए।
मंदिर जाके सेवा कर लो, तीर्थ करो भजन, माता पिता की सेवा ना की, तो ये सब कुछ है बेकार। बस रहन का भी ध्यान रखना दोस्तों, मंदिर भले ही घूमना लेकिन अपने माता पिता की सेवा भी जरूर करना। उनपे आप अभी अपना आप ऐसे कह सकते हैं कि आप उन पे आवाज का इस्तेमाल मत करना जी। तो दोस्तों हम आ गए नीचे और तिरुपति बता रहे हैं, पर मेरे को ऐसा लगता नहीं है यहाँ पे सब मनोकामना पूरी होती है, हमें याद रखना। तो चार धाम जाना छोड़ो भाई साहब, मैं तो कहता हूँ अमृतसर आओ, इस मंदिर में घूमो। जितने भी मंदिर आप पूरे इंडिया में देखेंगे उन सभी के कहीं ना कहीं का एक रूप आपको यहाँ जरूर देखने को मिलेगा 110%। ये मेरा एक्सपीरियंस है। एसी नहीं है, बस एसी भले ही नहीं है लेकिन भगवान के दर्शन करने में क्या ही पसीना बहाना। और जो अमीर लोग हैं वो अपना पंखा साथ लाए। तो हम नीचे चलेंगे और अभी हम यहीं से गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सीरियसली मज़ा आ रहा है, चलिए चलते 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 चलो चलते चलो। अभी हमने भी करवाया। चलिए बाहर चलते हैं, हम भागे हैं बाहर। इधर रास्ता नहीं है, मधुमक्खियां थी, अभी हम बच गए, अदरवाइज हमने काट सकती थी। क्यों शोर कर रहा है यार। और हम आ गए हैं, यहाँ से हमने शुरुआत की थी। आप यहाँ बैठ करके कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मंदिर हमने पूरा कंप्लीट किया। आपको ये मंदिर कैसा लगा हमें जरूर बताना। तो हम चलेंगे अमृतसर के अब किसी और जगह, क्योंकि अभी बहुत टाइम है हमारे पास, एक दो दिन के अंदर यहाँ रुकने वाले हैं, पूरा हमसे घूमना है। मिलते हैं एक बार फिर। तो दोस्तों हमने फाइनली मंदिर को कम्प्लीट किया, हमें मंदिर बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि हमने कहा था कि मंदिर पूरा घूम लिया, मेरे को ऐसा लगता है कि हमको चार धाम जाने की जरूरत है। पूरी उम्र बहुत सारे भगवान, आपको आपने लगभग कितने भगवानों को काउंट किया होगा, गिना होगा? मैं बता रहा हूँ, अगर 10-10 के नोट भी हर भगवान को मतलब दान करूँ तो लगभग 1.5 लाख तो मेरे चले जाएंगे आराम से। बहुत सारे भगवान थे यहाँ पर, और जो कुछ हो मतलब जो डिफरेंट टाइप के भगवान होते हैं वो भी उनके साथ इंक्लूड थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मंदिर होगा, कितनी सारी गुफाएं होंगी। अब आए तो एक चिल्डर लेकर आना ताकि आपके पैसे कम से कम खर्च हो। चलिए जय बाबा की।